वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ पीयूष जांगेड़ और आज हम शुरू करेंगे आपकी इंग्लिश कंपलसरी में आपकी मेन बुक। तो मेन बुक की एक पोएम जो मैं मानता हूँ काफ़ी इजी पोएम और आपको इजीली समझ में आएगी, वो है विलियम शेक्सपियर की सेवन एजेस ऑफ मैन, आदमी की सात अवस्थाएं। मतलब इसका ये हुआ दोस्तों, सात अवस्थाओं का मतलब क्या हुआ जान लीजिए, कि शेक्सपियर ने देखा कि पूरी दुनिया में इंसान छोटा बच्चा होता है और बच्चे से लेकर के जब तक वो बड़ा होता है सात अवस्थाओं से होकर के वो गुजरता है। और ये सातों अवस्थाएँ कौन सी, यही हमें जानना है, इसी पे इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये कंपलसरी में इस पोएम की एक्सप्लेनेशन हम करेंगे और बाद में आपको क्वेश्चन आंसर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है भैया? तो चलो शुरू करते हैं। द सेवन एजेस ऑफ मैन टाइटल है पोएम का, आदमी की सात अवस्थाएँ लिखी किसने, विलियम शेक्सपियर ने। शुरू करते हुए बात करता हूँ मैं कि ये सेवन एजेस ऑफ मैन पहली बात तो लीक आ गई है आपके, अब तो एक्सप्लेनेशन नहीं आती दोस्तों। पहले क्या होता था कि एक्सप्लेनेशन, व्याख्या करना, जैसे हिंदी में आप क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, भावार्थ लिखते हैं, जैसे भावार्थ लिखना, व्याख्या करना आया करता था इंग्लिश में। उसके लिए पहले क्या, जैसे संदर्भ लिखते हो इसमें कॉन्टेक्स्ट लिखना होता था, तो उसमें संदर्भ और इसमें कॉन्टेक्स्ट लिखने के लिए हमें जानना होता था कि पोएम कहाँ से आई है। तो ये यही बात कर रही है हमारी पहली वाली लाइन है कि पोएम है जो सेवन एजेस ऑफ मैन, वो एक्सट्रैक्टेड यानी निकाली गई है कहाँ से दोस्तों, शेक्सपियर का एक ड्रामा है, शेक्सपियर ने एक लिखा था ड्रामा यानी जो स्टेज पे नाटक होता है, वो लिखा था एज यू लाइक इट, ठीक है दोस्तों, एज यू लाइक इट लिखा। ये ड्रामा क्या है, कॉमेडी है, कॉमेडी के बारे में लिखा हुआ है। चलो भैया ये जान लिया, तो हमें तो एक ही लाइन याद रखनी है, देखो कि एज यू लाइक इट्स में से ये पोएम आई हुई है और ये डायलॉग किसका है, जैक का, ये याद रखना है, जैक का डायलॉग है ये, जे ए के क्यू यू ई एस, ठीक है ना, इसको साइलेंट है इसमें ऐसा जो, तो जैक का डायलॉग है ये, ओके। जैक बोलता है डायलॉग ड्रामा में जो स्टेज पे नाटक हो रहा होता है उसमें, और ये पोएम वो डायलॉग ही उसका। तो ये लिखे किसने हैं उनकी बात कर लेते हैं, विलियम शेक्सपियर ने लिखी दोस्तों। विलियम शेक्सपियर क्या थे, सबसे महान राइटर में से, सबसे जो याद किए जाते हैं, जिनको सबसे बड़ा इंग्लिश लैंग्वेज का राइटर माना जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज के लेखक माने जाते हैं उनमें से एक थे, ठीक है। तो वो पोएट भी थे क्योंकि पोएम लिखी तो पोएट हो गए। प्ले राइट मेनली वो क्या लिखते थे, ड्रामा। भाई ड्रामा क्या हुआ सर आप पूछेंगे, तो देखो स्टेज पे नाटक होते हैं आपके, आप देखते हैं रामायण होती है, रामलीला होती है, वो भी क्या होता है, स्टेज पे ही तो होती है। वैसे स्टेज पे जो ड्रामा होता है दोस्तों, नाटक, उसके ये राइटर थे, ये ज़्यादातर ड्रामा लिखने का काम करते थे अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारे ड्रामा लिखे थे। और उस समय जब वो मूवी थिएटर और टीवी नहीं थे, फ़ोन तो बहुत पहले की बात है, फ़ोन से टीवी से मूवी थिएटर से बहुत पहले, तब लोग क्या देखने जाते थे एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए, ये ड्रामा स्टेज वाले सॉरी। तो इसी बात के लिए इनको नेशनल पोएट भी माना जाता है इंग्लैंड का, ठीक है। उन्होंने 38 प्ले लिखी है, 154 सोनेट लिखी है, सोनेट मतलब पोएम होती है, ठीक है दोस्तों। 38 इन्होंने प्ले लिखे हैं स्टेज पे जो प्ले किए जा सकते हैं, उसके अलावा कई पोएम्स और भी लिखी है, ठीक है। सम ऑफ हिज फेमस थिएट्रिकल ट्रेजेडीज, ठीक है, कॉमेडी के अलावा इन्होंने क्या लिखी है, ट्रेजेडी भी लिखी है काफ़ी, जिसका नाम पूरी दुनिया में फेमस, जिन पर जगह जगह मूवीज बनी है, जैसे हेमलेट, या आपके हैदर मूवी थी वो किस पे थी, हेमलेट पे, मैकबेथ इस पे भी मूवी बन चुकी है, ठीक है, मकबूल नाम से बनी थी जो, ओथेलो वो भी इंडिया मूवी बन चुकी है ओमकारा नाम से, और किंग लेयर, ऐसे करके क्या है दोस्तों कई सारी मूवीज़ क्या है शेक्सपियर के ऊपर अलग अलग भाषाओं में अलग अलग देशों में बन चुकी है शेक्सपियर के प्लेस पे। तो इतनी जगह इस पे फिल्में बनी है, मूवीज़ बनी है, तो आप समझ ही सकते होंगे कि कितना बढ़िया ही लिखते थे, ठीक है। तो शेक्सपियर की मौत, मृत्यु कब हो गई, 23 अप्रैल 1616 को, 52 साल के तब जब वो थे, और उनकी एक वाइफ थी और दो बेटियाँ थी उस समय उनके, ठीक है। तो ये शेक्सपियर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, थोड़ा थोड़ा याद रख लेना कि एक तो ये नाम हेमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लेयर, और खुद का नाम विलियम शेक्सपियर, ठीक है। तो पोएम का आपको जब भी कंपलसरी पढ़ो, पोएम किसने लिखी, सेवन एजेस ऑफ मैन विलियम शेक्सपियर ने, सेवन एजेस ऑफ मैन विलियम शेक्सपियर ने, रट लेना, पोएम के राइटर का नाम रटना है। अब दोस्तों आपके सामने पोएम है ये, आपको जो PDF मिलेगा उसको जूम करके देखिएगा, अपने पढ़ते हैं इस पोएम को। आदमी की सात अवस्थाएं, सेवन एजेस ऑफ मैन किस बारे में, तो शेक्सपियर का जो जैक है वो ये डायलॉग बोल रहा है, आपको ये इमेजिन करना है, आपको ये कल्पना करनी है कि एक आदमी बोल रहा है, अब पोएम के अंदर घुसना है। इतनी देर तो हमने बाहर की दुनिया की बातें कर ली है, पोएम खुद क्या बोल रही है वो जानने के लिए राइटर, लिखने वाला उसके दिमाग में क्या चल रहा है वहाँ घुसना पड़ेगा। तो हम वहाँ एंटर होते हैं, वहाँ घुसते हैं, तो हमें क्या दिखता है, देखिए कि जैक क्या हो रहा है, जंगल में खड़ा सब लोग, वो सामने डायलॉग बोल रहा है। जैक क्या था, वो दुनिया से
वैराग्य हो चुका था उसे, वैराग्य मतलब वो एक साधु की तरह हो गया था कि भैया दुनिया से तो कोई मतलब नहीं है, सब मोह माया है, एक फेमस डायलॉग चलता है ना, सब मोह माया है, तो वो वाली बात थी। इसलिए वो कहता है देखो मन तो पूरी दुनिया देख ली, अब वो क्या कहता है दुनिया देखने के बाद, ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, कि सारी दुनिया क्या है एक स्टेज है, नाटक का मंच है, जहाँ जाके लोग क्या करते हैं अलग अलग एक्टिंग करते हैं, स्टेज होती है ना, स्टेज पे आके कोई बोलता है, कोई गाता है, कोई नाचता है, तो इसलिए वो कहता है पूरी दुनिया क्या है एक स्टेज है, और एंड ऑल द मैन एंड वुमन मेयरली प्लेयर्स, और जितने भी आदमी हैं और औरतें हैं वो इस स्टेज के क्या है, इस स्टेज पे आने वाले प्लेयर्स हैं, यानी नाटक दिखाने वाले हैं, यानी जो स्टेज है जो दुनिया का नाटक है उसमें सारे एक्टर्स हैं, हम नाटककार हैं, हमारा आदमियों का औरतों का इससे ज़्यादा कोई रोल नहीं है इस दुनिया में, हम सब अलग अलग रोल निभाते हैं पूरी ज़िंदगी में, ठीक है। अब ये पूरी पोएम तो उन्हीं रोलों के बारे में, एक एग्जांपल देता हूँ इस चीज़ का, देखिए मान लीजिए कि एक आदमी, यानी मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, मैं छोटा था तब एक किसी का छोटा बच्चा था, मैं थोड़ा जवान हुआ तो मैं एक स्टूडेंट बना, ठीक है, मैं थोड़ा और बड़ा होऊंगा तो घर का बड़ा बेटा बन जाऊंगा, जिसके ऊपर क्या होगी करियर की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारियां होती है, उससे बड़ा होता है इंसान तब वो एक हस्बैंड बन जाता है, उसकी शादी होती है, ठीक है, और उससे बड़ा होता तब क्या हो जाता है वो एक फादर बन जाता है, उसके खुद के बच्चे होते हैं, तो ये अलग अलग रोल ही तो है, सब क्या हो रहा है सबकी ज़िंदगी ऐसी हो रही है, सब बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, शादी करते हैं, उनकी फैमिली होती है और यही आगे चलता रहता है, तो ये साइकिल चलता रहता है। जब ये कहता है कि हम इंसानों का क्या रोल है, हम तो अलग अलग रोल में आते रहते हैं, आज जहाँ हमारे पिताजी है कल हम वहाँ होंगे, ठीक है, ये लड़कियों के लिए जिनकी माता जी आज जाएँ वो कल हो सकती है वहाँ होगी, या थोड़ा अंतर होगा पर रोल वही रहेगा, तो इसलिए वो कहता है कि सब आदमी और औरत अपने अपने रोल प्ले करने आते हैं, सबकी अपनी एग्जिट, सबके अपने एंट्रेंस होते हैं, मतलब सब दुनिया में अलग तरीके से आते हैं, दुनिया से अलग तरीके से निकल जाते हैं, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कहता है ये, एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक इंसान एक बार में क्या है कई सारे पार्ट्स, कई सारे रोल प्ले करता है, कई सारे रोल अदा करता है, कैसे, हिज एक्ट्स बींग सेवन एजेस, इसलिए उन रोलों को उसने कहा मैंने तो दुनिया देख ली, और मेरे हिसाब से वो सात रोल प्ले करता है, सातों के नाम आपको चुटकियों पर याद होने चाहिए, ठीक है ना, ये पोएम पूरी होते ही सातों के नाम याद करेंगे, ठीक है, सातों के नाम ऐसे ही याद हो जाएंगे, क्यों आपने क्या देखना है, इंसान बच्चे से बड़ा ही तो हो रहा है, वही तो चीज़ें देखनी है, तो एट फर्स्ट द इन्फेंट, कि जब सबसे पहले पैदा होता है इन्फेंट होता है, यानी शिशु होता है, इन्फेंट का मतलब क्या शिशु होता है, म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म्स, मतलब वो जो दाई जो नर्स जिसके हाथों वो पैदा हुआ है उसके हाथों में रो रहा है, उल्टियाँ कर रहा है और बुरी से छटपटा रहा है, ठीक है, तो ऐसा छोटा बच्चा जो रो रहा है उल्टियाँ कर रहा है वो नर्स के आर्म में ही उसकी पहली स्टेज होती है जो सबकी होती है, ठीक है। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, सेकेंड स्टेज आती है रोता हुआ स्कूल जाने वाला बच्चा, अपने होता है ना पहले पहले दिन आपको स्कूल छोड़ने गए थे तब आप कितने लोग रोए होंगे, उदास हुए होंगे, नहीं हमें तो घर जाना है ये वो, आजकल तो क्या प्ले स्कूल्स का ट्रेंड ज़्यादा है तो भी बच्चे क्या है पहली बार स्कूल जाते हैं तब रोते हैं, ठीक है। तो जब ये रोता हुआ स्कूल बॉय, ठीक है, अपने सैचल का मतलब अपने बैग के अपने थैले के साथ और शाइनिंग मॉर्निंग फेस और सुबह सुबह चमकता हुआ उसका चेहरा, जैसे नहीं होता मम्मी ने फटाफट नहला दिया, बाल एकदम तेल लगा के एक साइड ऐसे चौपड़ के एक साइड कर दिए और टिक्का लगा दिया काला कि भाई बच्चे को नज़र नहीं लगे, तो उस हिसाब से एकदम से रोता हुआ चमकता हुआ बच्चा क्रीपिंग लाइक स्नेल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्यों धीरे धीरे स्नेल की तरह घोंगे की तरह धीरे धीरे क्यों आगे बढ़ रहा है, एक या फिर ऐसा मान लो कछुए की तरह धीरे धीरे क्यों चल रहा है, क्योंकि वो स्कूल जाना नहीं चाहता, अनविलिंगली टू गो टू स्कूल, ठीक है। एंड देन द लवर, थर्ड स्टेज आती है लवर की, जब आपकी टीन एज 14-15 फिर शुरू होती है, ठीक है, पहले क्या जीरो इन्फेंट, फिर क्या 2-3 साल के मतलब स्कूल जाने लगी 3-4 साल के, अब आ गई आपकी लवर वाली स्टेज, ठीक है। लवर वाली स्टेज का कहता है साइंग लाइक अ फर्नेस, एक भट्टी की तरह जलते हुए, मतलब इस इंसान में इंसान अपनी जवानी में अपनी यूथ में प्रवेश करना शुरू करता है, इसलिए उसके अंदर क्या होती है कई सारी फीलिंग्स नहीं कई तरह की बॉडी में हार्मोन में बदलाव आते हैं, जिसके कारण क्या बॉडी बड़ी भी होती जाती है और नई नई चीज़ें वो अपने बारे में डिस्कवर करता नई नई चीज़ें जानता है, इसलिए उसमें नई भावनाएँ भी आती है, वो फुल वर्ल्ड, और मुँह पर उसके क्या रहता है अंदर से तो वो भट्टी की तरह तपरा होता है और मुँह पर उसके क्या रहता है बैलेड, एक गीत रहता है, किसके लिए मेड टू हिज मिस्ट्रेस, अपनी मिस्ट्रेस के लिए, अपनी जिसको वो चाहता है उसके लिए, ठीक है। आईब्रो और मिस्ट्रेस के आईब्रो, मतलब मिस्ट्रेस आईब्रो उठा दे तो यस, आईब्रो नीचे कर दे नो, मतलब इतना वो क्या होता है उस समय उतना उस फीलिंग में वो पागल हुआ होता है, ठीक है। तो ये स्टेज चली जाती है, ठीक है दोस्तों, तीन स्टेज पढ़ ली, बच्चा स्कूल जाने वाला और फिर लवर, तीन स्टेजों के नाम याद हो गए आपको, इन्फेंट स्कूल बॉय और लवर, फिर चौथी आती है सोल्जर की,
जो हो जाती है फिर 20-22 जब थोड़ी थोड़ी मैच्योरिटी आने लग जाती है ना, थोड़ा थोड़ा परिपक्वता आने लग जाती है, फिर ये ध्यान रहता है अरे फीलिंग्स में कुछ नहीं रखा, करियर के ऊपर ध्यान दे लो, खुद के ऊपर ध्यान दे लो, ठीक है। तो वो वाली स्टेज जो आपकी थोड़े दिनों में आएगी, ठीक है, या आ चुकी होगी, कही होगी, बहुत बढ़िया आ गई। तो सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, मन में कई तरह की अजीब अजीब शपथें होती है, शपथ होता है ओथ का मतलब, शपथ प्रॉमिस मतलब, मन में कई तरह के भाव बना लेते हैं कि यार ये मेरा साथ वाला दोस्त है या मेरा बड़ा भाई ये ऐसे करता है, ये आलस करता है एक्सरसाइज करना, मैं नहीं करूँगा, मैं रोज़ सुबह उठ के एक्सरसाइज करूँगा। और वो ओथ क्या होती है, 2 ही हफ्ते चलती है, 3रे हफ्ते से यार कौन उठे सुबह, सो जाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये वाली ऐसी भी अजीब अजीब उसके मन में प्रण होते हैं, अजीब अजीब उसके मन में अकड़ होती है, एक अजीब सी विश्वास, अजीब सी चीज़ों पे उसका विश्वास बन जाता है। उसको अभी क्या है, पूरा ज्ञान नहीं होता दुनिया का, बस उसको थोड़ा सा ज्ञान मिला है, उससे पहले उसने क्या किया, अपने दिमाग में कुछ बिठा लिया। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ट, जेलस इन ऑनर, ठीक है। और उसके दाढ़ी होती है, मतलब नई नई दाढ़ी आई होती है, इस एज में पूरी उसकी दाढ़ी आ जाती है, ठीक है। जेलस इन ऑनर, घमंड में एकदम से जलता हुआ, अपने ऑनर में, अपने सम्मान में, मतलब एक वो कहता है झूठे सम्मान से भरा होता है, कहता ना कि मैं अब तो सब मैं ही हूँ, मतलब उसको थोड़ा सा कह दिया ना, अरे तू दिखने में ऐसा, इतने वो जल जाएगा, अरे यार तू मुझसे बात मत कर, मेरे से दूर चला जा, तू मेरा दोस्त नहीं है, तू मेरी बेइज्जती कैसे कर दी। तो ये ऐसी चीज़ें, मतलब उसमें मैच्योरिटी अभी पूरी तरह से आई नहीं है, उसमें एक झूठा घमंड अपने मन के बारे में, शक्ल के बारे में झूठा वहम है कि मैं दिखने में बहुत खूबसूरत हूँ, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, चाहे उसको वहम है मेरी बॉडी बहुत बढ़िया है, चाहे उसको वहम है कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, मैं तो बहुत ज़्यादा, जैसे लोगों की नज़र भाई तुम पे ही है, अरे कोई किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता, एक मिनट लोग देखते हैं और फिर निकल जाते हैं, जो सिर्फ आपसे जलने वाले होते हैं वो आपकी बात करते हैं, ये बात नोट कर लेना। तो सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और उसकी रेपुटेशन, उसका घमंड, उसकी इज्जत कैसे होती है, एकदम बुलबुले की तरह। बुलबुला क्या होता है दोस्तों, जैसे बुलबुला में ये देखिए वो सोल्जर खड़ा है, बुलबुला क्या होता है देखिए कि छोटा सा बुलबुला होता है, ऐसे हवा चलने से भी फूट जाता है, बुलबुला इतना सॉफ्ट होता है, अपने आप ही फूट जाता है। तो उसकी रेपुटेशन भी ऐसी होती है बबल जैसी, उसको थोड़ा सा कुछ कहो उसके, उसको ठेस पहुंच जाती है, उसको बुरा लग जाता है, ठीक है। अब आगे ये कहता है कि इवन इन द कैनन्स माउथ, और मतलब उसको अकड़ रेपुटेशन की इतनी फिक्र होती है, मतलब वो कैनन कि एकदम से क्या प्राण जाए पर वो वाली बात है, अकड़ ना जाए, कहावत पहले क्या थी, प्राण जाए पर वचन ना जाए, पर अब कहावत है प्राण जाए पर अकड़ ना जाए, मतलब वो कैनन्स माउथ यानी तोप के मुंह में भी उसको कोई बिठा देगा कि भैया अब तेरे को गोला मार के उड़ाने वाले, तो भी मैं तो हूँ तो वही अकड़ वाला, अपने झूठे घमंड वाला, वो होती है सोल्जर की स्टेज, ठीक है। ठीक है, अब एक गैप लो, आराम से लंबी गहरी सांस लो, आधी स्टेजें हमने कर ली, 4 स्टेज कर ली, अब बाकी 3 आएगी, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा क्या होता है, आदमी मैच्योर होना शुरू करता है, 35 की एज तक आता है, तब काफ़ी मैच्योरिटी आ जाती है, क्यों, उसने काफ़ी दुनिया देख ली होती है। तब क्या होता है इन फेयर राउंड बेली, तब उसका थोड़ा थोड़ा पेट थोड़ी तोंद आ जाती है, क्यों वो जब सोल्जर था तब वो इधर से उधर फिजिकल एक्टिविटी भी करता था, जाता भी था, एक्सरसाइज भी करता था, अब वो आलसी हो गया है, अब उसके शारीरिक मेहनत ज़्यादा नहीं होने के कारण पेट आ गया है, पर विद गुड कैपन लाइंड, पर अब क्या हो गया, उसके पास थोड़े पैसे भी आ गए क्योंकि वो अर्निंग करना भी शुरू कर दिया है, कमाना भी उसने बढ़िया से शुरू कर दिया, तो इसलिए क्या गुड कैपन लाइंड, इसलिए बढ़िया कपड़ों में वो लिपटा हुआ है, उसने बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं, विद हिज आइज सेवियर, उसकी आंखें क्या है ऐसे झुकी थकी हुई सी है, क्यों, उसको दिख गया है, उसको क्या दिख गया है, ज़िंदगी का एक्सपीरियंस, उसको दुनिया का अनुभव पता चल गया है। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और सोल्जर की तरह क्या दाढ़ी हर जगह से बड़ी हुई नहीं, एकदम दाढ़ी सेट करवा के, हेयर स्टाइल सेट करवा के, बढ़िया शर्ट में, एकदम कॉलर वाले सूट में, बूट में, एकदम सजा हुआ रहता है, मतलब एक जज की तरह, एक सरकारी ऑफिसर की तरह, हम देखते हैं बढ़िया ऑफिसर होता है उसकी तरह रहता है, क्यों, ये एज ही ऐसी, उसको एक्सपीरियंस आ गया है और उसको लगता है कि अब मैं खुद पर ध्यान देता हूँ और बढ़िया अपनी अर्निंग का, अपनी कमाई का यूज़ लेता हूँ, ठीक है। फुल ऑफ वाइज सॉस, सॉ मतलब देखना होता है, तो वो समझदार दृष्टियों से भरा हुआ है, समझदार दृष्टि मतलब उसने दुनिया इतनी देख ली है कि उसको समझ आ गई है। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और उसको नई आधुनिक बातें कभी पता चल गई जितनी भी है। सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरह वो अपनी अपना पार्ट आदमी उस समय व्यतीत करता है। फिर आती है 6th स्टेज, शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्स पेंटालून, फिर जो 6th स्टेज आती है वो कहाँ पहुँचा देती है आपको, 40 से 50 के पास जो अधेड़ उम्र होती है, तब क्या होता है, इंसान वापस क्या होता है, गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। गिरना कैसे शुरू हो जाता है, देखिए आपको पहली इमेज पे ले चलता हूँ, देखिए यहाँ तक बच्चा है, बच्चे से थोड़ा बड़ा हुआ और ताकत समझ बढ़ी, यहाँ पे और ताकत और समझ बढ़ी, यहाँ सोल्जर तक और ताकत और समझ बढ़ी, यहाँ और ताकत और समझ बढ़ी, यहाँ से वापस ताकत कम होनी और धीरे धीरे मेमोरी पावर, दिमाग की शक्ति कम होनी शुरू हो जाती है स्टेज से, 6th स्टेज से हमारी, और यही 6th स्टेज हम पढ़ रहे हैं,
ठीक है, तो छठी स्टेज में वो क्या कहता है, देखिए द सिक्स स्टेज, तो छठी एज शिफ्ट्स, जाती है कहाँ, विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, क्या अब उसकी नोज पर यानी उसकी नाक पर चश्मा लग चुका है, एंड द पाउच ऑन द साइड, और साइड में वो अपने क्या थैला कैरी करता है, यानी जो वृद्ध लोग आप देख सकते हैं अपने आसपास के देर लोग कि भाई वो एक बड़ी सी बैग कैरी कर रहे होंगे, हाथ में पहनने वाला थैला और आंखों पर चश्मा, ये चीज़ क्या बताते हैं, उसकी उम्र बढ़ चुकी है और वो अपने अब हेयर स्टाइल पे अपने कपड़ों पे इतना ध्यान देता नहीं है। इज यूथफुल होज वेल सेव्ड, कि जो उसका जवानी का फव्वारा था अब वो एकदम से ख़त्म होने लगा है। अ वर्ल्ड टू वाइड टर्निंग अगेन टुवार्ड्स, ठीक है, और उसके लिए दुनिया क्या एक बहुत बड़ी है, फॉर स्ट्रंग शेंक, और वो खुद क्या है सिकुड़ता जा रहा है, यानी वो दुनिया से क्या हो रहा है अब अलग होता जा रहा है। पहले वो समझता था जैसे कि दुनिया सारी उसको पता है, ये वही दुनिया में एक है, सोल्जर वाली स्टेज में, जज वाली स्टेज में, और वो दुनिया से क्या हो रहा है अलग होता जा रहा है, कटता जा रहा है। एंड इज बिग मैनली वॉइस, उसकी आवाज़ भी काफ़ी भारी, काफ़ी मैनली हो गई है, यानी वो बुढ़ापे की ओर जा रहा है। टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश रेबल, और क्या हो रहा है धीरे धीरे वापस उसमें बचपने वाली हरकतें आ रही है। मतलब कई वृद्ध लोगों को आपने देखा होगा, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ही करो, जिद करते हैं बच्चों की तरह, उनको क्या होते हैं चलने में, या किसी लोगों को बुढ़ापे में किसी चलने का सहारा चाहिए, खाने पीने का सहारा चाहिए, तो वैसे बच्चों की तरह उसकी उनकी स्टेज वापस होनी शुरू हो जाती है। पाइप्स एंड विसल्स इन दिस साउंड, और जब वो सांस लेता तो उसकी सांस में सीटियाँ बजती है, ऐसे सांस भर जाती है, तो ऐसे उनको महसूस होता है। ठीक है, फिर आता है लास्ट सीन ऑफ द ऑल, जिंदगी की आखिरी स्टेज, आखिरी सीन, जब पर्दा गिरने वाला है। आखिरी सीन के बाद क्या होता है, ड्रामा बंद हो जाता है और पर्दा गिर जाता है, तो पर्दा गिरने वाला है, दैट एंड्स द स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, जो क्या कर देती है स्टेज, ख़त्म कर देती है स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, जो इतनी अजीब इंसान की ज़िंदगी रही है, उसका इतिहास रहा है, कैसे करती है इस सेकेंड चाइल्डिशनेस। लास्ट स्टेज क्या होती है, सेकेंड चाइल्डिशनेस, यानी दूसरा बचपन, दूसरा बचपन, एकदम से वो वापस पहले वाली स्टेज के करीब आ जाता है, एकदम से बच्चा बन जाता है, कैसे, एंड मियर ऑब्लिवियन, और एकदम से जो पास में क्या है उसका ऑब्लिवियन है, यानी डेथ उसके एकदम पास में है, और बच्चे की तरह क्या हो जाता है, क्यों, सेंस टीथ, उसके ना तो दांत होते हैं, सेंस आइज, आंखें भी नहीं होती, यानी एकदम से नज़र कमज़ोर हो जाती है बुढ़ापे में। सेंस टेस्ट, ना टेस्ट का पता चलता है बुढ़ापे में, सारी इंद्रियां, सारी सेंस क्या होती है आपकी, कमज़ोर हो जाती है। यहाँ SANS का मतलब क्या है, विदाउट, इस SANS का विदाउट यानी बिना, इसका मतलब क्या है, विदाउट यानी बिना, इसका मतलब क्या है, बिना, तो बिना का मतलब बिना टीथ, बिना दांत के, विदाउट आइज, बिना आंखों के, विदाउट टेस्ट, उसको कोई टेस्ट भी नहीं आता बूढ़ा हो गया तब, सेंस एवरीथिंग, और उसके पास कुछ नहीं रहता, ही इज़ विदाउट एवरीथिंग, सब बुढ़ापे तक लास्ट स्टेज पे आते आते वो खो चुका होता है, उसका शरीर, उसकी समझ और उसका पैसा, उसकी ताकत, सब कुछ वो, और इस तरह ज़िंदगी क्या होती है, एंड हो जाती है। तो दिस वाज सेवन एजेस ऑफ मैन, सातों का अपने अभी रिवाइज कर लेते हैं। पहली स्टेज क्या थी, इन्फेंट यानी बच्चा, यहाँ से शुरू करते हैं, ये क्या थी, इन्फेंट, उसके बाद क्या होगा, स्कूल जाने लागू हो गया, स्कूल बॉय, फोटो से याद करते चलो, फिर क्या बन गया, लवर, ठीक है, लवर के बाद क्या हो गया, थोड़ा और बड़ा हुआ, सोल्जर, सोल्जर के बाद ये देखो दाढ़ी दूढ़ी बनवा ली है इसने, ठीक है, अभी दिखाता हूँ रुको, ये देखो दाढ़ी बना ली है, तो ये क्या बन गया हमारे, जज, ठीक है, जज के बाद वापस क्या आ गया, पेंटालून वाली स्टेज, जिसमें वो ओल्ड एज कह सकते हो जिसको, और लास्ट स्टेज क्या आ गई, सेकेंड चाइल्डिशनेस यानी दूसरा बचपन, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये पोएम समझ में आई होगी और आप इसके क्वेश्चन आंसर कर लोगे। आपके फ़ायदे के लिए मैंने पूरी पोएम का ये एक्सप्लेनेशन इंग्लिश प्लस हिंदी में दे रखा है, तो आपको अगर रिवीजन करना हो तो इसे पढ़ लेना। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट मोर एंड मोर। थैंक यू।